नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस कोर्स में देख रहे हैं बायोलॉजी का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन यहां कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया, ये दूसरा चैप्टर हम लेके आए हैं जो कि मेरा जीव विज्ञान का होगा, बायोलॉजी का। जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको डेज यहाँ पर कब कब पूछा है वो सारे मेंशन कर दिए हैं। यदि इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको एक दो दिन में सारे चैप्टर वाइज, आपको जो भी वीडियो अपलोड हो रही है सारे चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड के साथ साथ आपका ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेसन अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी का सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है लैमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तू। तो किसने किया था सबसे पहले? क्या था? लैमार्क ने किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में लैमार्क ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मत्स्यों का, सरीसृपों का, स्तनधारियों का या कीटों का? क्या हो जाएगा आपको इसका आंसर? कीटों का हो जाएगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। यह ऑर्थोपोडोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? ये ऑर्थोपोडोलॉजी का एक आपका ये विज्ञान की एक शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। एपिकल्चर किससे संबंधित है? एपिकल्चर किससे संबंधित है? ए मधुमक्खी, बी मछली, सी लाक का कीट, डी रेशम का कीड़ा। क्या हो जाएगा तीसरा का आंसर? ए हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा। मैं बता दूं आपको कि शहद के व्यापारिक उत्पादन या मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है, रेशम के कीड़ा पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, मछली के पालन को पेसिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, मैंने जस्ट अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी किया था कि देखिए पहला ऑप्शन है एपिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी पेसिकल्चर, डी सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा आपको इसका आंसर। क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, सेरीकल्चर हो जाएगा आपको। सेरीकल्चर से रेशम कीड़ों के पालन को कहते हैं, एपिकल्चर मधुमक्खी को, और हॉर्टिकल्चर बागवानी को, तथा पीसीकल्चर मछलियों के व्यापारिक पालन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ए चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना, वातावरण, डी तंतु। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? सी हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, ए एंथ्रोपोलॉजी, बी एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा। देखिए प्राइमेटोलॉजी बंदर, वानर और वन मानुष के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको मानव का अध्ययन किया जाता है, और एथनोबॉटनी में किया जाता है औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, और एपोलॉजी में किया जाता है मधुमक्खी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके बाद आपको होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बाघ, बी मेढक, सी मनुष्य, डी गुलाब। क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। किसका हो जाएगा आपको? मनुष्य क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? मनुष्य क्या हो जाएगा? मैं बता दूं आपको कि होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का वैज्ञानिक नाम आपको राना ट्रिगिरेना है। ठीक है, उसके बाद बाघ का जो वैज्ञानिक नाम हो तो पैंथर टाइग्रिस होता है, और गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा साइनेसिस होता है आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर मनुष्य था, फिर हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन आता था आप कमेंट के माध्यम से हमें आप आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? ए कीट, बी कीटाणु, सी एटा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा आपको, सभी हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? सॉरी, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है आपको? ए कीट से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको? कीट से संबंधित है। कीट वर्ग के जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं। इनका शरीर वक्ष तथा उदर तीन खंडों में बटा होता है। इनके शरीर की पर काइटिन के बने पंख तथा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? ए चींटी, बी तिलचट्टा, सी खटमल, डी सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको सभी हो जाएगा इस पे। चींटी, तिलचट्टा, खटमल तीनों ही कीट है, ठीक ना। और कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। इन सभी के तीन जोड़े टांगे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा आपको? 10 का डी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ग के संबंधित है। जिन जंतुओं की जुड़ी हुई टांगे पाई जाती है उन्हें आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जाता है। तीन जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र तथा ट्रकिया कीट वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? ए जेलीफिश, बी गोल क्रीमी, स्टार फिश या जोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? जेली फिश हो जाएगा। देखिए जेली फिश और समुदाय बारे में बताता हूँ, सभी का क्या होगा आपको। जेली फिश का जो समुदाय होता है सिलेंट्रेटा होता है, और गोल क्रीमी का होता है आपको प्लेटी हेलमिथिनिस होता है, और स्टार फिश का होता है एकाइनो डेमेंटा होता है, और जोग का होता है वो एनेलिडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? ए ग्रामिनी, बी कंपोजिटी, सी सोलेनेसी, डी कुकर बिटेसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? सोलेनेसी हो जाएगा आपको। आलू सोलेनेसी कुल का एक पौधा है। इस कुल के अन्य पौधे हैं जैसे कौन कौन सा पौधा इसमें आएगा? मिर्च आएगा, बैंगन आएगा, धतूरा आएगा, टमाटर आएगा, और भी सारे हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपको ये चीज पूछा जाता है, मिर्च, बैंगन, धतूरा, टमाटर इत्यादि। किस कुल का है ये आपको? सोलेनेसी कुल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? ए पेरीफेरा, सिलेनेट्रेटा, एनिलिडा या अर्थोपोडा। ये आपको बता दूं इसका आंसर डी हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, इसका आंसर अर्थोपोडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चींटी के कितने पैर होते हैं? ए 6, बी 4, सी 8, डी 2। कितना होता है पैर? 6 पैर होता है। चींटी को कितना पैर होता है आपको? 6 पैर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा? ए नीली व्हेल, बी अफ्रीकी हाथी, सी गोरिल्ला, डी जिराफ। क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा आपको, नीली व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व का जो विशालतम जीवित प्राणी वो नीली व्हेल है, या कॉर्डेटा संघ का एक प्राणी है। किसका संघ का प्राणी है आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ए कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग या हैचलिंग। क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा आपको, हैचलिंग हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? हैचलिंग हो जाएगा। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के प्राणी है, और इस वर्ग के प्राणी में छिपकली भी आते हैं, सांप भी आता है, कछुआ और घड़ियाल भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? ए वालरस, वेल, डॉल्फिन, नीली शार्क। क्या हो जाएगा आपको? 17 का डी हो जाएगा, नीली शार्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ए ऑर्गनोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी, डी साइनोलॉजी। क्या हो जाएगा? 18 का आपको ए हो जाएगा, ऑर्गनोलॉजी हो जाएगा। मैं सारे बारे में बताता हूँ कि ऑर्गनोलॉजी जो होता है मकड़ियों का अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन होता है, और एपियोलॉजी जो होता है मधुमक्खियों से संबंधित अध्ययन है, और साइनोलॉजी जो होता है वो कुत्तों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपको, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? ए 250 ग्राम से 300 केजी, बी 300 केजी से 400 केजी, सी 100 केजी से 150 केजी, और डी 1000 केजी से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? 100 केजी से 150 केजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, हरे पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? ए एसा फटीडा, बी एरिजोना टिग्रिस, राना टिग्रिना, लोना एस्टोटा। क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राना टिकरी ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? ए एक समुद्री शैवाल, बी एक समुद्री अकशेरुकी, सलाद के लिए एक सब्जी, एक मछली। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, एक समुद्री अकशेरुकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंडे देता हुआ स्तनपायी है? ए कंगारू, बी डक बिल्ट प्लेटोपस, सी ओपोसम, डी ओल्टर। क्या हो जाएगा? 22 का आपका आंसर हो जाएगा आपको, डक बिल्ड प्लेटोपस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? ए डॉल्फिन, बी बाघ, सी मानव, डी मगरमच्छ। 23 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर आपका? डी हो जाएगा आपको, मगरमच्छ हो जाएगा। डॉल्फिन, बाघ एवं मानव स्तनधारी वर्ग में आते हैं, परंतु मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में माना गया जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है? ए पक्ष लघु मस्तिष्क, चतुर्कोष्ठीय हृदय, और डी डायफ्राम।
तो क्या हो जाएगा, 24 का आपका डी हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, डायफ्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है, ए चूहिया, बी चमगादड़, सी व्हेल, डी शेरनी। 25 का क्या हो जाएगा आपको, चमगादड़ हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरी सिल्क फिलोसिनिया रिसिना सिल्क वर्क द्वारा पैदा किया जाता है, निम्नलिखित किस पौधों पर इसको पालते हैं, ए कैस्टर अरंडी, बी ओक, सी पपीता, डी सिल्क कॉटन। 26 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, कैस्टर अरंडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैस्टर अरंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, ए मछली, बी चमगादड़, सी व्हेल, इनमें से कोई नहीं। 27 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, मछली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, ए डॉल्फिन, बी बाघ, सी मानव, डी मगरमच्छ। 28 का हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील मछली द्वारा निकाली गई आवाज को क्या कहते हैं, ए बार्क, बी मू, सी स्क्रीच, डी ग्राउल। 29 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर आपका, ए हो जाएगा, बार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है, ए माइक्रोबायोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी, डी माइकोलॉजी। 30 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फाइकोलॉजी हो जाएगा। मैं बता दूं, शैवालों का अध्ययन के वनस्पति शास्त्र की शाखा फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस नए कोर्स में देखेंगे बायोलॉजी के सेकेंड पार्ट, जो कि हम ला कर लाए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द जीवों का वर्गीकरण देखेंगे हम। तो क्वेश्चन ले गए हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन से हम लिए गए हैं, जो कि आने वाले आपका एग्जाम जो आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एसएससी जो भी है, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं।